तैयार होता है। 10-12 सफाई के प्रक्रिया के बाद एक बोली तैयार होता है। बाबा का भोग बाबा विश्वनाथ के प्रति संध्याकालीन आरती में लगता है। कितना पुराना आपका है व्यापार? बहुत पुराना है। प्रमोद शुक्ला, प्रमोद जी क्या है इस बार शिवरात्रि पर बाबा को किस तरह का भोग लगता है? बाबा का प्रथम रूप से भांग मुख्य रूप से प्रसाद माना जाता है और ये देश के हर शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। इसको शिवरात्रि के दिन खास मौके पर हर काशीवासी देश के भिन्न क्षेत्रों के लोग इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये इसको विजया बोला जाता है, भांग विजया भांग। औषधि के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, कई आयुर्वेदिक दवाओं में इसे इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह की शिवरात्रि काशी की परंपरा और क्या व्यवस्था इस बार की है आप लोग? व्यवस्था तो हम लोग का 365 दिन हो ही रहता है और शिवरात्रि के दिन विशेष उत्साहवर्धन हो जाता है। लोगों के बीच खाने का बाबा का क्रेज रहता है, बाबा का विवाह रहता है, उस दिन लोग नाचते हैं, गाते हैं, सोहर गाते हैं, हर प्रकार का उसमें भांग है, बनारस का पान है, ठंडई है, मलैया, ये सब बनारस का फेमस है। देश विदेश से लोग जो भी तीर्थयात्री आते हैं इसको उपयोग करते रहते हैं। तो भांग में कुछ नया लेकर भांग में हमारे पास चूरन रहता है, मुनक्का रहता है, मेवा का गुलकंद, इसमें काजू पिस्ता बादाम, ये इस प्रकार का चूरन है, ये डब्बे का आता है, ये मुनक्का आता है, स्वीट होता है, इसमें गुलकंद होता है और मेवा अगर आप मिला के उसको 2.5 से 3 महीने तक खराब नहीं होता है। नेचुरल भांग होता है, इसमें कोई प्रकार का मिलावटी नहीं, ये जमीन से उपज होता है। शिवरात्रि के बड़ा खास महत्व है। अरे भांग का महत्व पूरे देश में विदेश में है। कभी कभी आप भांग का संबोधन संसद में भी देखने को मिल जाता है कि लोग भांग खा के स्पीच बोलते रहते हैं। चलता है कि विदेशों में इसका उपयोग होता है। कई सांस्कृतिक कई वैज्ञानिक इस पर रिसर्च भी किए हैं कि भांग इस प्रकार से है, भांग उस प्रकार से, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, एक तरीके से नेचुरल है ये।